वेलकम टू येट अनदर गेम प्ले। और यहाँ देखने की बात होगी कौन कौन से बंदे यहाँ पे ज्वाइन किए। अभी थोड़ा सा ये ग्लिच है रूम का और बाकी कुछ स्क्वाड यहाँ पे हम लोग को नहीं भी देखने मिल रही है। तो आज का गेम स्टार्ट करते हैं जो मीरा मार का होने वाला है। दो बंदों ने मैप डाउनलोड नहीं किया, अनफॉर्चुनेटली किक हो जाएंगे। और अब यहाँ पे देखना होगा कितने बंदे ज्वाइन किए। थोड़ा सा यहाँ पे लोड होने में टाइम लगता है तो वेट करना होगा आपको। और काफ़ी सारी स्क्वाड यहाँ पे देखने मिल रही है, 70 पीपल अप्रॉक्स ज्वाइन किए हैं। मे बी देखना होगा यहाँ पे कौन कौन से बंदे आ पाए कौन नहीं आ पाया, क्योंकि यहाँ पे हमारे TSF की स्क्वाड में भी एक बंदे कम देखने मिल रहे हैं। बाकी यहाँ पे रियलोजी की स्क्वाड में एक बंदे कम है। और यार यहाँ रूम के अंदर कितने देर में घुसेंगे यार, वी डोंट नो, लेट्स सी। और यहाँ पे गेम ज्वाइन किया है, लेट्स सी कितने लोगों ने यहाँ पे गेम ज्वाइन किया। काफ़ी अच्छी बैटरी लग रहा है, काफ़ी धीरे धीरे देखने लग गए। 64, 67, अबाउट 67, 68 लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है। और यहाँ पे 25 जो है हमारी, उसमें एक बंदे कम आई थी ऐसे। बाकी यहाँ पे MS10 की पूरी स्क्वाड देखने मिल रही है, मेयम की स्क्वाड पूरी आई है, रियोलॉजी के टीम में ज्वाइन किया। मैं एक बार आपके लिए टीम लिस्ट बता देता हूँ। स्क्वाड 3 में यहाँ पे मार्वल की स्क्वाड देखने मिली है, 4 में एक्स, 5 में यहाँ पे ईव की स्क्वाड देखने मिली है, ईव इविल डेविल। 6 में यहाँ पे कोई भी बंदे ज्वाइन नहीं कर पाए IM के, और अनफॉर्चुनेटली बैन होगा उनके ऊपर। BLDN यहाँ पे जो सीज की स्क्वाड है वो कम्प्लीटली देखने मिली है। मतलब टीम नंबर 8 में मिस्टीरियस की स्क्वाड, टीम नंबर 9 पे जाइए, टीम नंबर 10 पे यहाँ पे मार्वल बैन, टीम नंबर 11 पे यहाँ पे IM की स्क्वाड का दोष लगा दिया गया। टीम नंबर 11 या इंफिनाइट गेमर्स की स्लॉट में बैठी हुई है आई एम, बताओ क्या ही बोलूँ यहाँ पे। टीम नंबर 12 गेमर्स की स्क्वाड यहाँ पे बैठी हुई है, 13 पे फोरआर्म्स, 15 में यहाँ पे 14 पे हम लोग देखने मिल रही है रेडिका टेरर, 15 में टीम ऑर्चिड, 16 में PCQ, 17 में यहाँ पे माफिया की स्क्वाड, 18 में यहाँ पे हम लोग देखने मिली है पागल एक्स की स्क्वाड, 20 पे GL4G, और 22 पे यहाँ पे देखने मिली है हमारे मैच विकस की स्क्वाड, 24 पे टीम में है, 25 पे TSF। और यहाँ पे फ्लाई पास बनता हुआ चुम्मा सिरा से जाता हुआ मॉन्टेन्यो और एल पोजो की तरफ से रूंस जाता हुआ ये जोन फ्लाई पास हम लोग देखने मिल रहा है। क्लोज ड्रॉप में यहाँ पे लॉस भी होने देखने मिल रही है, माइनस डेल वाले देखने मिल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा आवाज कम कर देते हैं, थोड़ी नॉइज ज़्यादा आ रही होगी। पिकार्डो भी क्लोज ड्रॉप पे, मॉन्टेन्यो पावर ग्रिड, सैन मार्टिन एल पोजो, कार्टर फिल्ड्स और ला कोब्रेरिया, यहाँ पे सब काफ़ी क्लोज ड्रॉप है। वाले डेल मार कोई भी स्क्वाड यहाँ पे देखना होगा मूव करती है कि नहीं, क्योंकि अबाउट 1700 to 1800 का यहाँ पे जंप होने वाला है। बाकी यहाँ पे स्क्वाड्स के रोटेशन स्टार्ट हो चुके हैं, पिकार्डो यहाँ पे स्क्वाड मूव करती हुई देखने मिल रही है। सारी स्क्वाड लगभग यहाँ से फ्लाइट से जंप कर चुकी है, 90 टीम्स आ रहे हैं। और यहाँ पे यार कोई एक्शन लेना पड़ेगा IM की स्क्वाड से, जो टीम नंबर 6 होनी चाहिए थी, बट आई डोंट नो वाई दे आर सिटिंग एट टीम नंबर 11, स्लॉट 11 क्यों लिया पता नहीं। कोई भी मतलब कोई इसमें दिमाग की बात मेरे को दिखती नहीं है। बाकी यहाँ पे जोन क्या बनेगा, क्या होंगी गेम की स्ट्रैटेजी, उसके बारे में कुछ ही देर में बात करते करेंगे। सीज की स्क्वाड यहाँ पे फायर वायर लेते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनके आसपास कोई है नहीं, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं बंदे। और टीम नंबर 24 यहाँ पे जाती हुई वाटर ट्रीटमेंट की तरफ या फिर हसियांडा जाएगी, देखना होगा। टीम में हम थोड़ा अलग रोटेशन दिखाते हुए, और अभी के लिए सारी स्क्वाड्स यहाँ पे काफ़ी अच्छा रोटेट किए। चुमा सेरा जाती हुई टीम नंबर 25 एज यूजुअल, सेम ड्रॉप पॉइंट लिया, सेम लोकेशन। टीम नंबर 4 यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल में हो सकती है, क्योंकि रोटेशन इनके लिए थोड़ा सा नया होने वाला है। 21 स्क्वाड के लिए ऊपर से यहाँ पे शॉट्स आ सकते हैं, दिल्ली पुलिस काफ़ी क्लोज में लूट करते हुए 21 स्क्वाड पीछे से यहाँ पे रोटेशन देते हुए चेतु भाई पीछे जाते हुए देखने मिल रहे हैं। अभी के लिए जोन हो चुका है मूव, काफ़ी सारी स्क्वाड हम लोग जोन के अंदर देख सकते हैं। और फर्स्ट जोन यहाँ पे बन चुका है, थोड़े दिन में श्रिंक होना चालू होगा, अबाउट 4 मिनट 35 सेकंड में देखने की बात होगी। यहाँ पे टीम नंबर 24 आज काफ़ी दिन बाद हमारा गेम खेल रही है, मैस विथर्स की स्क्वाड तो कुछ कमाल करके दिखा पाती है या नहीं। और सारे यहाँ पे आए IGN में, सबका अलग अलग है, इन गेम नेम में सभी का अलग है। बाकी यहाँ पे ऊपर में देखने मिल रही है हम लोग को डीमंस की स्क्वाड, सैन मार्टिन का यहाँ पे ड्रॉप लिया है, और एक ही घर में यहाँ पे लूट करते हुए डीमंस की स्क्वाड के अकेले बंदे वुल्फ यहाँ पे कभी भी कॉट हो सकते हैं, नो विथ नो गन ये जाते हुए, और कभी भी इनका किल निकल सकता है। एक की स्क्वाड से वहाँ पे फिरते हुए, और M24 आई थिंक शॉट लिया गया है, टोनी भाई यहाँ पे नॉक देखने मिल रहे हैं, ओजी के साथ यहाँ पे रश कर सकती है कभी भी, एक की स्क्वाड के ऊपर रश हो सकता है। और यहाँ पे वर्चुअल पीछे से
होल्ड करते हुए दिल्ली पुलिस यहाँ पे आगे मूव करते हुए लूट कर रहे हैं धीरे धीरे। टोनी के ऊपर यहाँ पे धीरे धीरे प्रेशर डालने की कोशिश होगी, रिवाइव यहाँ पे इजिली मिल जाएगा अभी के लिए। और अभी यहाँ पे अथीना पीछे से आते हुए रिवाइव देने की कोशिश करेंगे, टोनी यहाँ पे नॉक पड़े हैं और उनको रिवाइव मिलता हुआ। दिल्ली पुलिस यहाँ पे कोई भी हड़बड़ी नहीं दिखाते हुए, बट अभी के लिए थोड़ा सा यहाँ पे इशू हो सकता है। पीछे हम लोग को देखने मिल रही है स्टार्क और चेतु यहाँ पे थोड़ा सा अलग एंगल होल्ड किए हुए हैं विद AKM, ही हैज AKM एंड कार 98, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी इनके लिए भी गेम में। यहाँ पे थोड़ा सा अगर मतलब अच्छा कंपोज खेल रही है, अगर जल्दी रश करती तो अनफॉर्चुनेट यहाँ पे डेथ हो सकती थी, बट फिलहाल के लिए यहाँ पे सही गेम दिखाते हुए। और डीमंस के वो बंदे आई थिंक बच गए, निंजा, और निंजा को काट करने की कोशिश करेंगे बीचों बीच में से यहाँ पे भागते हुए। पीछे से टीम नंबर 18 क्लोजिंग करते हुए देखने मिल रही है हम लोग को, जो कि पागल एक्सी स्क्वाड है। और अनफॉर्चुनेट हो सकता है नॉइज यहाँ पे ओपन से जाते हुए पीछे पीछे पागल एक्स के वॉइस आ गई होगी। पीछे यहाँ माफिया की स्क्वाड भी देखने मिल रही है, और अलग रोटेशन दिखाते हुए टीम नंबर एक्स यहाँ पागल एक्स यहाँ से दूर से जाते हुए। वहाँ पे IIM RJ ने यहाँ पे नॉक निकाला है, और टीम नंबर 20 पे यहाँ पे प्रेशर डालने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा गेम प्ले, RDX ओमेगा को नॉक किया है। रियोलॉजी की स्क्वाड थोड़ी स्कैट है, जावेद के ऊपर कभी भी रेस देखने मिल सकता है। जावेद यहाँ पे ओपन में यहाँ पे उजी के साथ होल्ड करते हुए देखने मिल रहे हैं। IIM राज यहाँ पे क्लोजिंग करने की कोशिश करेंगे, जावेद को यहाँ पे कभी भी पिकअप किया जा सकता है पीछे वे कवर में आते हुए रियल ओजी को। और काफ़ी अच्छा यहाँ पे ऊजी पड़ता हुआ ईगल जावेद यहाँ पे देखना होगा रिवाइव दे सकते हैं कि नहीं। ओमेगा को थोड़ी सी डिफिकल्ट सिचुएशन में यहाँ पे रियल ओजी की स्क्वाड, बट ओमेगा को यहाँ पे ऊपर आने की ज़रूरत अगर रिवाइव चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ब्लीड हो जाएंगे, कोई भी चांस नहीं उनको बचाने का। स्मोक वोक स्पैम किए गए हैं बट आपको बचाना इम्पॉसिबल, और जी हाँ वो ब्लीड आउट हो चुके हैं। यहाँ पे पीछे से देखने मिल रहे हैं हम लोग को IND की स्क्वाड, और जो हमारी मिस्टीरियस की स्क्वाड है वो भी क्लोजिंग करते हैं। रियल ओजी यहाँ पे फॉल बैक करने की ज़रूरत है जावेद को, बट अभी के लिए होल्ड किया है। RJ भाई यहाँ पे उजी के साथ M4 रखा है, और क्लोज रेंज में आई डोंट नो गोलियाँ नहीं होंगी मे बी। और डीमस की स्क्वाड को यहाँ पे स्पॉट करते हैं, रियल ओजी यहाँ से राइट से रोटेशन देने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल के लिए यहाँ पे मेरे हिसाब से इनके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि फॉल बैक कर जाएं, क्योंकि अभी बहुत सारी स्क्वाड है। देखो पीछे से आपको देखने मिल रही है, इधर IIM की स्क्वाड है, उधर माफिया की स्क्वाड देखने मिल रही है, डीमंस की स्क्वाड पीछे ताक लगाए बैठी है। और अभी के लिए यहाँ पे आई डोंट नो मैसफिदर की स्क्वाड कहाँ चले गई ये रही। और जोन रोटेशन देने की कोशिश करते हुए ओपन से मूव करने हैं, अभी तक व्हीकल मिला नहीं है थोड़ी अनफॉर्चुनेट कंडीशन में, और लूट्स भी अच्छे से हो नहीं पाए। पीछे से डिमंस की स्क्वाड ने भी क्लोजिंग कर दिया, और इनके पास अभी के लिए म्यूटेंट आई थिंक ओके M16 देखने मिल रही है, दो शॉटगन के साथ मामन यहाँ पे मूव करते हैं। और रॉजर के पास भी देखना होगा, कोई लूट है नहीं खास इनके पास अभी के लिए, बहुत ही गलत सिचुएशन। मार्बल की स्क्वाड आगे से आते हुए, और अभी के लिए उन्हें स्पॉट कर लिया होगा आई थिंक AKM रखे हैं, कुछ कमाल कर दिखा पाते हैं कि नहीं देखने की बात होगी, क्योंकि व्रेथ यहाँ पे ओपन में कभी भी डाउन कर सकते हैं। यतीश यहाँ पे पता नहीं एकदम मतलब कुछ पता ही नहीं उनको, और ये कभी भी डाउन होंगे यहाँ पे कोई भी यहाँ पे मतलब एकदम ओपन में यहाँ पे वो कर रहे हैं मूव कर रहे, देख ही नहीं रहे। और पीछे से यहाँ पे मार्वल की स्क्वाड आते हुए नमन यहाँ पे क्लोजिंग करने की कोशिश करेंगे शॉटगन के साथ। फिलहाल के लिए यहाँ पे रिवाइव देना मुश्किल, और बापू गैंग यहाँ पे फिर भी रिवाइव देने जाते हुए, और यहाँ पे हार्दिक को यहाँ मौली पड़ सकती है और ज़रूर पड़ेगी, देखने की बात होगी यहाँ पे डैमेज कितना पड़ता है। और 40 HP का डैमेज पड़ चुका है, और अभी के लिए यहाँ पे मार्वल की स्क्वाड कभी भी फिनिश हो सकती है। पीछे से आते हुए नमन वहाँ पे शॉटगन के साथ क्लोजिंग करते हुए, और अनफॉर्चुनेट कंडीशन में अभी दोनों ही बंदे, और नमन ने यहाँ पे अकेले क्लोजिंग कर दिया है। और ओके इनके पास M16 भी थी, और हार्दिक यहाँ पे नॉक हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे नो डाउट। यहाँ पे फिनिश होते हुए मार्वल की स्क्वाड एक लाइनअप यहाँ पे मार्वल की वाइप होते हुए, और फ्री पॉकेट में किल दे दिया, और कुछ नहीं। यहाँ पे टीम नंबर 25 यहाँ पे तीन बंदे, चुम्मा से रावी भी होल्ड किया हुआ है एक की स्क्वाड और TSF की स्क्वाड ने। और फिलहाल के लिए यहाँ पे जोन मूवमेंट देने की ज़रूरत, जोन हो चुका है स्टार्ट मूव करना, और कुछ देर में कोलैप्स होता हुआ देखने मिलेगा। सारी स्क्वाड यहाँ पे जोन के अंदर आ चुकी है, और दो चार स्क्वाड पांच स्क्वाड यहाँ पे बस बाहर रुकी है, जिनमें एक सीस की स्क्वाड है, रेडिकल टेरर और मार्वल की स्क्वाड, और यहाँ पे TSF और एक की स्क्वाड, ये चार पांच स्क्वाड जो है ये अभी के लिए जोन के बाहर, बाकी सारी स्क्वाड अंदर आ चुकी है। पहला स्क्वाड जो वाइप हुआ है वो यहाँ पे मार्वल की फर्स्ट लाइनअप का या सेकेंड लाइनअप जो भी होगी उनका हुआ है। और अभी के लिए यहाँ पे जोन रोटेशन देते हुए
मेहम की स्क्वाड और देखना होगा कुछ कमाल कर दिखा पाती। कल तो भाई इतने ओपन में पिटे थे ना ये बंदे, मतलब पूछो मत। स्मोक वो कर रहे कब, जब नॉक हो गए तीन बंदे, मतलब अलग ही लेवल की बगलोली। और अभी के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा मतलब होल्ड किया है, सेंटर ऑफ जोन तो नहीं कहूँगा बट फिर भी ऑलमोस्ट सेंटर। सो इनके लिए अभी के लिए यहाँ पे एडवांटेज होगा क्योंकि नेक्स्ट जोन भी इनको ज़्यादा मूव करने की जरूरत नहीं होगी। और यहाँ पे येलो जी की स्क्वाड फंसी हुई है, सामने में हम लोग को ऑर्चिड की स्क्वाड देखने मिल रही है और यहाँ पे मिस्टीरियस की स्क्वाड का फाइट होता हुआ। फिलहाल के लिए यहाँ पे थोड़ा सा कैंपिंग वैम्पिंग चलता हुआ और अभी फैंक यहाँ पे ओपन में अटके हुए हैं अकेले बंदे। नीचे में हम लोग को देखने मिल रहे हैं रोहन, टाइमर्स 564 और ऑर्चिड की स्क्वाड। डॉन यहाँ पे थोड़ी सी, डॉन रोहन और फैंक यहाँ पे थोड़ा जो लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पे वो मेंटेन किया हुआ है, इसके कारण इनके लिए मतलब थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो सकता है क्योंकि अगर फैंक नॉक होते हैं ना तो कोई भी यहाँ पे रिवाइव देने के चांसेस नहीं है, रोड क्रॉस करने नहीं दिया जाएगा इनको। पीछे से यहाँ पे टीम नंबर 11 IM की स्क्वाड ताक लगाए बैठी है और देखने की बात होगी यहाँ पे क्या ही हाल होता है। व्रत ने वहाँ पे जहरीला भाई को माफिया की स्क्वाड से जा बड़े हैं और अभी के लिए नॉक करते हुए और माफिया के जहरीला के ऊपर यहाँ पे रस देखने मिल सकता है। टीम नंबर 17 थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट कंडीशन में, जहरीला यहाँ पे अकेले आए थे, नो डाउट यहाँ पे नॉक होती है। एक और बंदे पीछे से ट्रेड फायर आता हुआ बट कनेक्ट नहीं हुआ, ओपन से यहाँ पे बंदे आ रहे हैं और मैं व्रत को यहाँ पे नॉक किया है। और अभी के लिए कार 98 से चेक करते हुए व्रत को वहाँ पे रिवाइव मिलना इजी बात, कोई बड़ी बात यहाँ पे है नहीं। माफिया की स्क्वाड के ऊपर कभी भी रश कर सकते हैं, नमन यहाँ पे स्मोक वोक बनाते हुए पीछे से यहाँ पे फिनिश करने की ज़रूरत और जहर तब भाई भाई को यहाँ पे फिनिश किया है। और अभी के लिए माफिया की स्क्वाड यहाँ पे बहुत ही गलत सिचुएशन में फंसते हुए और नॉइजी को नॉक किया है काफ़ी अच्छा लुटेरा के द्वारा। यहाँ पे कार 98 देखने मिल रहा है, दो बंदे वहाँ पे नॉक हैं आई थिंक। और फिलहाल के लिए यहाँ पे रश करने की ज़रूरत नहीं, एक ही बंदे नॉक है, एक बंदे ने व्रत ने यहाँ पे हील पॉप कर लिया है। थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट कंडीशन में यहाँ पे हमारी मैस विथर्स की स्क्वाड और स्मोक के अंदर नेट वेट ट्राई करते हुए पीछे स्मोक किया, नमन यहाँ पे लेफ्ट साइड से फ्लैंक करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे स्कारेल के साथ शॉर्ट गन यूज़ करते हुए और अभी यहाँ पे जहरीला को लुटेर भाई को स्पॉट कर चुके हैं, गन ग्लिच से उनको दिख चुका है उनका पोजीशन और कभी भी यहाँ पे स्प्रे डाउन करने की कोशिश करेंगे लुटेरे को। यहाँ पे 40 HP छोड़ते हुए काफ़ी अच्छा स्प्रे फिलहाल के लिए बट अभी यहाँ पे रश करना थोड़ा डिफिकल्ट, बहुत ही ओपन एरिया है। व्हीकल उनकी लगभग देखनी होगी व्हीकल की क्या कंडीशन है और व्हीकल लेके यहाँ पे रश देखने मिल सकता है हम लोग को, स्मोक किया जाएगा। नॉइजी यहाँ पे दिख नहीं रहे, पता नहीं कौन से एंगल पे बैठे। ओके नॉइजी, ओके रॉजर वहाँ पे ऊपर में जाते हुए SKS ट्राई करते हुए और अभी के लिए फिलहाल के लिए यहाँ पे कम टीम यहाँ पे फंस चुकी है। माफिया की स्क्वाड को मूवमेंट देने की ज़रूरत, फॉल बैक करेंगे तो भी व्हीकल यहाँ पे फंसता है उनका और इससे वो ज़्यादा दूर जा नहीं पाएंगे। नमन यहाँ से ओपन में जाते हुए रॉजर यहाँ पे ट्रेड देने की कोशिश करेंगे फिलहाल के लिए और कोई भी शॉट्स आता हुआ नहीं। पीछे में भी यहाँ पे फॉल बैक करते हुए देखने मिल रहे हैं बंदे, शॉट्स लेने की कोशिश की जाएगी। वर्चुअल ने वहाँ पे एक के बंदे को नॉक किया है, फाइट यहाँ पे चुमा सिरा का अभी तक चलता हुआ और जोन रोटेशन देने की ज़रूरत दोनों स्क्वाड को। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे टाइमर्स 5642 ने भी यहाँ पे मिस्टीरियस के बंदे को नॉक किया है। हर तरफ थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की फाइट चलती हुई, एक के बंदे को वहाँ पे रिवाइव मिलता हुआ और अभी के लिए जेतु यहाँ पे बैंडेजेस यूज़ करते, ओके मेडिक किट यूज़ किया है और जोन रोटेशन देना स्टार्ट कर चुके हैं। पीछे से यहाँ पे शॉट लेने की कोशिश करेंगे और अभी के लिए जोन रोटेशन देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हुए जोन रोटेशन चालू हो चुका है। 62 पीपल आर अलाइव, नमब ने वहाँ पे लुटेरे को नॉक किया है और अब यहाँ पे देखना होगा रश वश करते हैं या नहीं। और नो डाउट यहाँ पे लुटेरे को फिनिश करने की कोशिश करते हुए खूनी भाई यहाँ पे ऊपर में देखने मिल रहे हैं और यहाँ मॉली वॉली आते हुए कनेक्ट भी हुई है और अब मेरे हिसाब से फिनिश हो जाएंगे। कभी भी फिर से यहाँ पे आग में चले गए, मतलब अलग ही भाई, अलग ही लेवल के बंदे यहाँ पे। आईजी नॉइजी के यहाँ पे मॉली से फिनिश होती हुई हमारी माफिया की स्क्वाड और फिलहाल के लिए जाएगी लॉबी में। जोन हो चुका है छोटा, यहाँ पे किल निकाल चुके हैं मैच विथस ने 7 और यहाँ पे डेविल सलजार की स्क्वाड रियलोजी की स्क्वाड को वाइप करते हुए जो दो बंदे बचे हुए थे उनको वाइप किया। और अभी के लिए ऑर्चिड की स्क्वाड ताक लगाई बैठी थी और कोई भी एक्टिविटी देखने मिल नहीं रही उनसे। पीछे में यहाँ पे बंदे हम लोग को नॉक देखने मिल रहे हैं और मिस्टीरियस की स्क्वाड अभी होल्ड करते हुए डेविल सलजार यहाँ पे पीछे फॉल बैक करेंगे। विक्की का लॉस हुआ, 3 किल निकाल चुकी है ये स्क्वाड भी। IM की स्क्वाड जो है और हो रहे हैं आर्म्स, क्रेटोस यहाँ नॉक करते हुए देखने मिले। TCQ से जाके फाइट हुई है, द सी स्क्वाड से इनकी फाइट होती है। दो बंदे यहाँ पे बहुत ही गलत सिचुएशन में, एक बंदे का नॉक और एक बंदे 10 HP में बचे हुए हैं। पीछे से डेड शॉट टाइमर्स 165 को वहाँ पे पीछे उधर दूसरे गेम में नॉक करते हुए और अभी के लिए 4 आर्म्स की स्क्वाड यहाँ पे रश करने की ज़रूरत।
देखने की बात है, यहाँ पे काफ़ी लंबा फ्लैंक किया है और स्क्वाड यहाँ पे उनकी थोड़ी दूर देखने मिल रही है और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं बंदे पीछे में, बट अभी के लिए यहाँ पे फिनिश करने की कोशिश की जाएगी, जो कि कैरेक्स पे जो है काफ़ी दूर में नॉक हुए हैं तो रिवाइव देना थोड़ा मुश्किल, बट अभी के लिए ऊपर से क्रेटोस यहाँ पे ताक लगाए बैठे हैं और एंगल बनाने की ज़रूरत, पीछे से ब्लेड्स हम लोग को देखने मिल रहे हैं और रिवाइव देना इम्पॉसिबल लगभग मेरे हिसाब से, देखना होगा। ऑर्चिड ने वहाँ पे नॉक किया है और ऑर्चिड की स्क्वाड यहाँ पे बैठती हुई, टाइमर 165 भी नॉक है, ऑर्चिड ने तनिष्क को फिनिश किया और यहाँ पे बूम बाम चलता हुआ फैंक यहाँ पे ओपन से आते हुए और थोड़ा सा ग्लिचे देखने मिल रहा है वहाँ पे क्रिएट। मैडस होके मैडस भाई एक बार नाम प्रोनाउंस करके बता दियो कभी, मैडस को यहाँ पे नॉक हो गए हैं वहाँ पे फोर आर्म्स की स्क्वाड थोड़ी सी डिफिकल्ट सिचुएशन में। नमन को यहाँ पे व्हीकल से, नॉइजी को दो बंदों को यहाँ पे फिनिश कर दिया, आई थिंक व्हीकल बस में यहाँ दो बंदे मारे गए हैं, काफ़ी गलत सिचुएशन होता हुआ यहाँ पे। रॉजर और ब्रेथ बचे हुए, सात किल निकाला था इन्होंने और गलत सिचुएशन में व्हीकल बस करते हुए यहाँ पे पीछे से यहाँ प्रेसिडेंट सर की स्क्वाड अब मूवमेंट दे रही है। 40 नंबर टीम जो हमारी है रेडिकल टेरर की, इन्होंने वाइप के डेड शॉट वहाँ पे शॉट्स लेते हुए दोनों ही तरफ बूम बाम एक्शन चलता हुआ और अभी के लिए डेविल की स्क्वाड आईएम की स्क्वाड थोड़ी फॉल बैक कर चुकी है, जोन के अंदर रोटेशन देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा इन्होंने और विक्की के लॉस के अंदर 3 किल के साथ जोन रोटेशन देते हुए आईएनडी की स्क्वाड जो मिस्टीरियस की स्क्वाड है उनका फाइट होता हुआ और चिट के साथ दो बंदे, एक बंदा नॉक एक बंदा बचा है लास्ट बंदे और अभी के लिए स्प्रे रन करने की कोशिश करेंगे और चिट की स्क्वाड को वाइप करते हुए मिस्टीरियस की स्क्वाड काफ़ी अच्छा गेम खेला है अभी तक के लिए और 3 बंदों के साथ तनिष्क के लॉस पे 4 किल निकालते हुए अपनी टीम के लिए। और अभी के लिए सीज की स्क्वाड सबसे अच्छे लोकेशन में जोन के अंदर, टीम नंबर 5 ईव की स्क्वाड भी जोन के अंदर देखने मिल रही है, 2 ही बंदे आए हैं फिलहाल के लिए। पागल एक्स की स्क्वाड भी जोन के अंदर देखने मिल रही है, काफ़ी अच्छा सेंटर होल्ड किया है। 22 नंबर टीम यहाँ पे जोन के अंदर रोटेशन देने की जरूरत, टीम नंबर 14 रेडिकल टेरर पीछे से आती हुई देखने मिल रही है और एक की स्क्वाड भी यहाँ पे जोन के अंदर रोटेशन देते हुए फिलहाल के लिए काफ़ी तो मुश्किल होने वाली है। दिल्ली पुलिस यहाँ पे हमारी स्क्वाड आते हुए 0 किल के साथ, आज कुछ एग्रेशन नहीं दिखाया अभी तक, लेकिन सेकेंड जोन में आप जानते हैं बौरा जाते हैं बंदे पूरे। और पी आगे हम लोग को टीम नंबर 14 देखने मिल रही है, रेडिकल टेरर ने ये आगे वाला हिल अकोमोडेट किया है, हाउसेस अकोमोडेट किए या तो, और थोड़ा सा गलत सिचुएशन हो सकता है, गलत सीन हो सकता है इनके साथ पीछे से जाते हुए 40 नंबर स्क्वाड के सामने भिड़ने वाली है और टीम नंबर 22 को अभी भी होल्ड करते हुए स्पॉट कर लिया है यहाँ पे ब्रेथ लोगों को और बाकी यहाँ पे शॉट्स लेने की कोशिश हो सकती है। ब्रेथ ने अभी कंपाउंड होल्ड रखा है, पीछे से ट्रैक्टर की हमारी टीएसएफ की स्क्वाड आते हुए देखने मिल रही है और अभी के लिए इन्हें कोई भी यहाँ पे मतलब इन्फो होगा नहीं इनके पास, बट ऊपर से छोटे बिस्लेरी का भी शॉट्स ले सकते हैं और हमारे बिस्ले स्प्रे डाउन करने की कोशिश, दिल्ली पुलिस को शॉट कनेक्ट होता हुआ गाड़ी बच करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये गाड़ी काफ़ी मतलब काफ़ी इनका डैमेज ज़्यादा होता है और प्रेसिडेंट सर यहाँ पे नो डाउट काफ़ी लंबा लंबा स्प्रे ले रहे हैं, पीछे यहाँ पे चेक करने की कोशिश करेंगे। टीएसएफ वर्चुअल वहाँ पे ओपन में पीछे कवर लेते हुए गाड़ी बचा ली है एक तो अपने लिए और फॉल बैक करेगी स्क्वाड, रिजेस होल्ड कर सकती थी बट अभी के लिए नहीं करते हुए थोड़ा सा आउटर जोन इन्होंने अभी आए हैं और जोन काफ़ी बड़ा है अभी अगर देखोगे मीरामार का जोन थोड़ा बड़ा ही होता है तो कोई इशू होने वाला है नहीं। स्मोक स्पैम करके अपनी व्हीकल भी बचा ली आई थिंक और पीछे में लेके आ गए हैं, पीछे डेमन्स की स्क्वाड का वहाँ पे फाइट होता हुआ, साइको की स्क्वाड ने कार नाइकेट से वुल्फ को नॉक किया है, निंजा यहाँ पे स्प्रे डाउन करने की कोशिश करेंगे, अक्कू को टैप 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 और 1 HP बचे थे अक्कू और काफ़ी अच्छा यहाँ पे M16 यूज़ करते हुए और डीमस के वहाँ पे बंदे को शैडो रिवाइव देते हुए 3 बंदे यहाँ पे शाइको के फंसे हुए हैं, आखिरी बचे हैं हमारे डीके बॉस, भाग भाग डीके बॉस, एक बंदे को यहाँ पे फिनिश करते हुए और अभी के लिए हर्षु फिनिश हो जाएंगे नो डाउट, एक एक करके बंदों को स्पॉट करके वाइप करती हुई यहाँ पे डीमस की स्क्वाड लगातार कंसिस्टेंट गेम दिखाते हुए काफ़ी अच्छा, और रिवाइव देने जा चुके डीके बॉस आगे यहाँ पे क्लोजिंग करने की कोशिश करेंगे, डीके बॉस यहाँ पे कभी भी स्प्रे डाउन कर सकते हैं निंजा को और नो डाउट स्प्रे डाउन करते हुए फिनिश करने की कोशिश करेंगे अभी के लिए। और डीमन की स्क्वाड के एक बंदे यहाँ पे कुछ ज़्यादा एग्रेसिव खेल गए, मतलब अच्छे जगह पे थे आप वहाँ से आराम से आप निकाल सकते थे आपको यहाँ पे पीछे जाते हुए, अभी के लिए यहाँ पे रिवाइव देना थोड़ा मुश्किल। एक की स्क्वाड को नॉक किया चेतु को यहाँ पे आईएम की स्क्वाड ने, आईएम की स्क्वाड यहाँ पे काफ़ी अच्छा खेलते हुए, आरजे भाई यहाँ पे कार नहीं इंट्रोड्यूस करते हुए, बट एक की स्क्वाड के ऊपर रश करना थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा सा लॉन्ग रेंज शॉट लिया है और काफ़ी अच्छा शॉट बोलना पड़ेगा क्योंकि देख रहे हो आप कहाँ से कहाँ दिया है और जोन के अंदर है बाकी सारी शॉट, सब स्क्वाड यहाँ पे जोन के अंदर आ चुके हैं, डीमंस की स्क्वाड को यहाँ पे जोन के अंदर आने की जरूरत, साइको को फिनिश करके आना चाहती है आई थिंक सो और यहाँ पे रिवाइव दे दिया है दोनों ही बंदों को, यहाँ पे क्या ही बचाया है डीके बॉस ने, ओपी गेम प्ले।
और अभी के लिए हील पॉप करते हुए, बट ज़्यादा हीलिंग से है नहीं, बैंडेजेस हैं और ऊपर में शेडो ऊपर जाके पहुंच चुके हैं। जोन ना जा रहे हैं, स्क्वाड ना जाने दे रहे हैं, और यहाँ पे फिर से नॉक करते हुए बंदों को रिवाइव देने के लिए आ रहे हैं, और उन दो बंदों को यहाँ पे वेनम पिकअप करते हुए काफ़ी अच्छा। वहाँ पे सालू साहब ने भी नॉक किया किसी को और फिनिश करते हुए एक एक करके बंदों को, आखिरी बंदे बचे हैं फिर से, और अक्कू को यहाँ पे फिनिश करके साइको की स्क्वाड वाइप कर, जोन के अंदर रोटेशन देना ज़रूरी, काफ़ी छोटा हो चुका है जोन जैसा आप देख सकते हैं। और सौरभ ने यहाँ पे फिर से M24 चटकाया, काफ़ी अच्छा यहाँ पे मतलब स्नाइपिंग करते हैं यार। सुमित ने वहाँ पर मार्बल मूवी को नॉक किया, और अभी के लिए यहाँ पे देखना होगा रश करती हुई देखने मिल रही है, और सौरभ यहाँ पे मूव करते हुए जोन के अंदर। फिलहाल के लिए हर दिन यार इनका स्नाइपर शॉट मिस ही हो जाता है, वाइपर क्रिश यहाँ पे कभी स्प्रे डाउन करने की कोशिश करेंगे, और देखना होगा यहाँ पे क्या स्प्रे यहाँ पे सौरभ का, और डाउन किया है वाइपर क्रिश को। और अभी के लिए यहाँ पे स्क्वाड एक एक करके वाइप करते हैं। टीम नंबर 10 मार्बल गैंग यहाँ पे थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट कंडीशन में वाइप हो चुकी है मेम की स्क्वाड को यहाँ पे जाते हुए, टोटल 4 किलो। और अभी के लिए सुमित ने वहाँ पे ओके यही वाले किल फिट्स में आ रहे हैं। जो आगे यहाँ पे देखना होगा IM की स्क्वाड यहाँ पे आगे में होल्ड करती है, एग की स्क्वाड के ऊपर स्प्रे डाउन करने की थोड़ी कोशिश करी है, छोटू बिस्लेनी ने पागल एक्स की स्क्वाड से फाइट ले ली है, और फिलहाल के लिए यहाँ पे किल्स निकालते हैं। पागल एक्स की स्क्वाड पूरे अनफॉर्चुनेट कंडीशन में फंसी हुई है, और सालू साहब यहाँ पे ओपन से लोकी को फिनिश करने की कोशिश करेंगे और नो डाउट स्प्रे डाउन करेंगे। पागल के आखिरी बंदे बचे हैं नोनू, और अब उनके ऊपर यहाँ पे ताक लगाई बैठी है, थोड़ा सा वल्नरेबल कंडीशन में है क्योंकि ओपन है, पीछे से आपको भी कहीं भी शॉट्स आ सकती है, तो ये वाला रिजिट को लीव कर देना चाहिए, क्योंकि मतलब देखो ना आप कहीं से भी शॉट्स आएंगे भाई, कहीं से भी बूम बाम शॉट्स आएंगे इसके ऊपर। पीछे से अभी क्लोज इन नहीं हो रहा, लेकिन काफ़ी अलग रोटेशन दी है आज ये स्क्वाड। और अभी के लिए हम लोग को देखना होगा दिल्ली पुलिस की स्क्वाड कहाँ जा भिड़ती है। रॉजर और रेत यहाँ पे जोन के अंदर आते हुए, दो बंदे यहाँ पे सर्वाइव करते हुए फुट के ऊपर मूवमेंट देते हुए, व्हीकल है इनके पास और कंपाउंड होल्ड किया हुआ है अभी के लिए। टीम नंबर 25 इनके पास आ सकती है कभी भी, और अभी के लिए लूट करते हुए M4 है इनके पास विद दैट ओके व्हाट स्कोप ही हैज, देख नहीं पा रहा मैं ढंग से। और वहाँ पे सलजार ने एक के बंदे को फिर नॉक किया, एक के बंदे यहाँ पे बार बार नॉक हो रहे हैं स्नाइपिंग से, और फिलहाल के लिए ईव की स्क्वाड सीज की स्क्वाड से जा भिड़ सकती है कभी भी, और देखना होगा यहाँ पे पूरी कंप्लीट स्क्वाड है आगे में, और ये दो बंदे लेकिन रोटेट कर लिया आई थिंक स्पॉट कर लिया है सीज की स्क्वाड को, बट फिर से सीज की स्क्वाड की तरफ मूव करते हुए, और कभी भी स्प्रे आना स्टार्ट हो सकता है, देखने की बात होगी यहाँ पे सीज के बंदे उन्हें स्पॉट कर पाते हैं या नहीं। एनकाउंटर यहाँ ऊपर से जाते हुए मूव किया डेविल सरजा ने, वहाँ पे अथीना को नॉक कर दिया है, और यहाँ पे फाइट एंगेज होती है डेविल की, काफ़ी क्लोज आ चुकी है दोनों ही स्क्वाड, नेडिंग वेडिंग चालू होते हुए, और फिलहाल के लिए रिवाइव दे रहे हैं बंदे, और बहुत ही गलत नेड हो सकता है, क्या ही नेड यहाँ पे सलजार भाई का, भाई क्या पिक ऑफ किया है, बहुत ही ओपी नेड। तीन बंदे यहाँ पे वल्नरेबल कंडीशन में, एक बंदे नॉक, दो बंदे 10-10 HP हील पॉप की जा रही है, स्मोक हुक स्पैम किया जाएगा, और IM की स्क्वाड यहाँ पे क्लोज इन करते देखने मिल रही है, और टोनी भाई को यहाँ पे स्पॉट करने की जरूरत, और यहाँ पे स्प्रे डाउन करने की, भाई क्या ही स्प्रे यहाँ पे सरदार भाई ओपी खेलते हुए फिनिश करेंगे एक एक बंदे को, तीन बंदे पीछे बचते हैं, स्टार्क को रिवाइव देने की ज़रूरत, और यहाँ पे हील पॉप हो चुकी है पूरी की पूरी, बैंडेजेज यूज़ की जा रही है, और एक यहाँ पे IM की स्क्वाड से बिटते हुए 4 किल निकाल चुके हैं। IM की स्क्वाड NXG मारियो यहाँ पे ट्राई करेंगे, बट लेफ्ट साइड से अथीना पिकअप करते हैं, काफ़ी अच्छा TPP वहाँ पे, और काफ़ी अच्छा स्प्रे कहना होगा, चेतु भाई यहाँ पे कभी भी क्लोजिंग कर सकते हैं, फिलहाल के लिए रिवाइव देने की ज़रूरत, और पीछे से यहाँ पे सलजार भाई होल्ड करते हुए क्या ही नॉक निकाला है RJ भाई ने, और बहुत ही अच्छा खेलते हुए अभी के लिए दोनों बंदे यहाँ पे, आखिरी बंदे IM RJ यहाँ पे बचते हुए फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पे स्प्रे देना चाहिए था, आखिरी बंदे उनके बचे हुए हैं अभी भी, और पीछे ओके स्क्वाड वाइप कर दिया आई थिंक इन्होंने, एक की स्क्वाड वाइप हो चुकी है, डीमंस की स्क्वाड इसी टाइम पे क्लोजिंग करेगी, वैनम यहाँ पे ऊपर से जाते हुए, मेहम की स्क्वाड पीछे से आते हुए देखने मिल रही है, और कभी भी यहाँ पे बूम बाम हो सकता है, और हील करने की ज़रूरत दोनों ही बंदों को, सलजार भाई यहाँ पे दिख रहे होंगे ग्लिच से, और फिलहाल के लिए यहाँ पे स्मोक वोक स्पैम कर दिए गए हैं 10 HP में, यहाँ बंदे बचते हुए डीमन के वैनम को नॉक किया है प्रतीक ने पीछे से यहाँ पे थर्ड पार्टी करते हुए, प्रतीक भाई जो कि इनका काम है और बाकी कुछ इनको नहीं आता, पीछे से स्प्रे डाउन करने की कोशिश करेंगे, शैडो को ऊपर में यहाँ पे बंदे को स्पॉट किया है कि नहीं देखना होगा, वुल्फ यहाँ पे अलग से एंटी फ्लैंक पे बैठे हुए हैं, और फिलहाल के लिए नेडिंग वेडिंग ट्राई करते हुए IM की स्क्वाड के बंदे को पिक किया है मारियो यहाँ पे फिर से पिकऑफ होते हुए, और अभी के लिए एक और नेट ट्राई किया है काफ़ी ओपी नेडिंग करते हुए यार, बहुत ही अच्छा डीमंस की स्क्वाड के सलजार भाई ने भी क्या ही नेट किया था,
डीमन स्नेक डेविल के सॉरी, और यहाँ पे फिर से नेड ट्राई करते हुए काफी नेड यहाँ पे डैमेज देता हुआ व्हीकल बश कर दिया। ऊपर से यहाँ पे स्क्वाड देखने मिल रही है, मेहम की और फॉल बैक करने की जरूरत। सौरभ यहाँ पे जोन के अंदर मूव करेंगे धीरे धीरे प्रतीक पीछे से आते हुए मेहम के साथ, और अभी के लिए यहाँ पे आईएम की स्क्वाड बच चुकी है। नो डाउट मारियो को यहाँ पे रिवाइव देने की जरूरत, बट पिक ऑफ होते हैं वुल्फ से। वुल्फ ओपी गेम प्ले दिखाते हुए यहाँ पे क्या ही गेम खेला है, M16 स्मोक के अंदर टैप इन करते हुए और बंदे वाइप हो गए नेट से। शेडो के आरजे भाई भी फिनिश हो चुके हैं। शेडो की स्क्वाड यहाँ पे 7 किल निकाल चुकी है, पीछे साइको की स्क्वाड को वाइप किया था, और 10 सी स्क्वाड यहाँ पे सीज की स्क्वाड से भिड़ते हुए 3 बंदे यहाँ पे कंप्लीट बचे हुए। 10 HP पे टायरन भाई को रिवाइव करने हील करने की जरूरत, और एजी स्क्वाड पे ओपन रश करते हुए मतलब क्या ही खेला है। यहाँ पे एजेंट BLTN एजेंट यहाँ पे स्पॉट करने की कोशिश करेंगे, टायरन को यहाँ पे स्पॉट किया है। नो डाउट कभी भी स्प्रे आ सकता है, और स्प्रे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कनेक्ट नहीं होता हुआ, वर्चुअल ने वहाँ पे बंदे को नॉक किया है, और अभी के लिए यहाँ पे डेड शॉट को फिनिश भी कर दिया है। वर्चुअल यहाँ पे 1 किल निकाल चुके हैं अपने लिए, और फिलहाल के लिए थोड़ा सा होल्ड गेम भी दिखाया है। ब्रेथ ने वहाँ पे मेहम को नॉक किया है, स्पॉट जाके भिड़ चुकी है मेहम से, और अभी के लिए देखना होगा। यहाँ पे रॉजर ने वहाँ पे सौरभ को नॉक कर दिया है, और फिलहाल के लिए यहाँ पे ओपी गेम प्ले प्रतीक भी यहाँ पे नॉक होंगे। 2 बंदे यहाँ पे 4 बंदों पर हावी होते हुए रॉजर यहाँ पे ओपी गेम पे दिखाते हुए अभी के लिए, और 2 ही बंदे यहाँ पे इस साइड में स्प्लिट खेला था आई थिंक, और सुमित यहाँ पे आखिरी बंदे जाते हुए। नो डाउट रॉजर से ये भी स्प्रे डाउन हो जाएंगे, काफी अच्छा स्प्रे आता हुआ यहाँ पे रॉजर का। 10 HP छोड़ा है यहाँ पे सुमित भाई को, और अभी के लिए पीछे जाते हुए रॉजर वृद्ध आगे आके यहाँ पे स्प्रे डाउन करने की कोशिश करेंगे। नो डाउट स्प्रे डाउन होते हुए यहाँ पे बंदे किस्तों में आए, और किस्तों में गए मेहम का यहाँ पे ओपी स्प्रे, बट अनडाउट यहाँ पे रॉजर 10 HP पे यहाँ पे क्लच करते हुए और 11 किल निकाल चुकी है स्क्वाड। यहाँ पे रॉजर के किल्स देखने लायक होंगे, यहाँ पे 4 किल निकाल चुके हैं। अब बाकी यहाँ पे सीज की स्क्वाड पीछे से TC 10 सी स्क्वाड को फिनिश करते हुए। रॉजर यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहे थे भाई, जोन के बाहर में स्नेकिन, क्योंकि ये काफी आगे में कोई भी स्क्वाड नहीं थी, पता नहीं यहाँ पे गलत सिचुएशन होता हुआ उनके साथ। 4 आर्म्स की स्क्वाड यहाँ पे सीज की स्क्वाड से भिड़ते हुए स्मोक स्पैम करने की जरूरत, अभी के लिए हील करते हुए राहुल भाई पीछे से यहाँ पे 4 आर्म्स की स्क्वाड को वाइप कर दिया है। लगभग लगभग माइडास आखिरी बंदे यहाँ पे बचते हुए लेवी भाई को यहाँ पे स्प्रे डाउन ले, और फिलहाल के लिए यहाँ पे लेवी को फिनिश किया जाएगा। दिल्ली पुलिस वहाँ पे छोटू बिस्लेरी को यहाँ पे फिनिश करते हुए पिकअप किया है अभी के लिए, और स्प्रे करने की कोशिश 40 नंबर टीम यहाँ पे थोड़ी सी गलत सिचुएशन पे देखने मिल रही है रेडिकल टेरर की, बट यहाँ पे वाइप करना इम्पॉसिबल अभी के लिए। यहाँ पे 4 आर्म लेवी जैसे मैंने कहा था ब्लीड आउट होते हुए, और अब यहाँ पे मिस्टीरियस की स्क्वाड जोन के अंदर आने की कोशिश करेगी। टीम नंबर 12 उनके पीछे डीमंस की स्क्वाड, 2v2 सिचुएशन। वुल्फ को यहाँ पे स्पॉट किया, शैडो को यहाँ पे स्प्रे डाउन करने की कोशिश करेंगे, बट फिलहाल के लिए यहाँ पे फॉल बैक करते हुए हम लोग को डीमंस की स्क्वाड देखने मिली है। पीछे जाएगी और सीधा भिड़ सकती है ये कभी भी हमारी TSF की स्क्वाड से। TSF की स्क्वाड यहाँ पे ओपन एरिया में देखने मिल रही है, पीछे कवर बनाने की जरूरत थोड़ी सी, बट इनके पास कोई व्हीकल देखने मिल नहीं रहा। डीमन की स्क्वाड के ऊपर स्प्रे डाउन करने की कोशिश, काफी अच्छा स्प्रे हो सकता था, कोई डैमेज नहीं देता हुआ। वर्चुअल यहाँ पे ओपन में पीछे नहीं देख रहा है कोई भी बंदा लग रहा है, आगे यहाँ पे स्प्रे डाउन करने की कोशिश करेंगे शैडो को, बट कोई भी शॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहे। पीछे से यहाँ पे बंदे को पिक किया दिल्ली पुलिस ऐसा ही नहीं, और भाई क्या ही पिक। यहाँ पे रेसिडेंट सर की स्क्वाड को अंदर आने नहीं देना चाहते। टीम में बस जो 14 है वो रेडिकल टेरर थोड़ा सा यहाँ पे गलत सिचुएशन में फंसती हुई, बार बार बंदे नॉक हो रहे हैं, तो इसके कारण इनको मूवमेंट देने में थोड़ी दिक्कत होगी। और बाकी के लिए यहाँ पे काफी ओपी गेम प्ले खेलते हुए यहाँ पे दिल्ली पुलिस का यहाँ पे स्प्रे देखने के लायक होने वाला है, क्योंकि ओपन से बंदे आएंगे अभी, और प्रेसिडेंट सर को कभी भी पिकअप कर सकते हैं। प्रेसिडेंट सर यहाँ ओपन से जाते हुए मूवमेंट देने की कोशिश करेंगे, दिल्ली पुलिस का फिर से स्प्रे आता हुआ। काफी अच्छा खेल रहे हैं यहाँ पे स्क्वाड, मतलब काफी अच्छा कंपोज देखने मिल रहे हैं, और स्प्रे करते हुए सालू साहब को कभी भी पिकअप कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कनेक्ट नहीं होता। और डीमन की स्क्वाड कभी भी जहाँ भिड़ सकती है, और डीमन की स्क्वाड के छोटी बिस्लेरी को पिकअप किया है, और डीमन की स्क्वाड के ऊपर स्प्रे करते हुए पीछे से यहाँ पे थर्ड पार्टी करती हुई स्क्वाड है। वर्चुअल यहाँ पे ओपन में आते हुए दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे फिर से पिक किया है सालू साहब को, ब्लिंक वहाँ पे ओपन में स्नेकिंग करते हुए, और अभी के लिए यहाँ पे वाइप हो जाएंगे। कभी भी प्रेसिडेंट सर वहाँ पे हील करने की जरूरत, सालू साहब को यहाँ पे खत्म करने की कोशिश करे। छोटे बिस्लेरी का किल यहाँ पे प्ले जोन से आता हुआ तो इनको तो नहीं आएगा। डिमेंस की स्क्वाड वहाँ पे पीछे में होल्ड करने की कोशिश करते हुए, काफी अच्छा गेम प्ले देखने मिला है सारी स्क्वाड के द्वारा।
प्रेसिडेंट सर कभी भी वहाँ पे वाइप हो सकते हैं, और नो डाउट वाइप होते हुए अभी के लिए यहाँ पे गेम प्ले मतलब गलत ही सीन होता हुआ। वी आर डाउन टू 6 टीम्स और यहाँ पे 4v2v2v1v1v3 सिचुएशन यहाँ पे मेरियस। यहाँ पे एक और स्क्वाड वाइप हो गई 4 आर्म्स की, और काफ़ी अच्छा मिस्टीरियस की स्क्वाड भी यहाँ पे खेलते हुए 5 किल निकाल चुकी है अपने लिए, और पीछे से दिल्ली पुलिस नॉक होंगे डीमन की स्क्वाड के द्वारा, और काफ़ी अच्छा स्प्रे डाउन करने की कोशिश, बट वर्चुअल कमिनी 14 तगड़ा आता हुआ मुंह पे पड़ा शैडो के, और अभी के लिए नॉक होते हुए नेट वेट ट्राई करेंगे। यहाँ पे वर्चुअल थोड़ा सा ओवर कुक कर रहे हैं, ओवर कमिट कर रहे हैं, पीछे से शॉट्स आते हुए मिस्टीरियस का कभी भी वर्चुअल नॉक हो सकते हैं, बट काफ़ी अच्छा स्नेकिंग किया पीछे से ब्लिंक का ट्रेड आने की ज़रूरत, और डीमन की स्क्वाड यहाँ पे वापस से हील करते हुए पीछे से शॉट लेने की कोशिश करेगी। जोन रोटेशन देना जरूरी, 42 सेकंड में जोन मूव करना जरूरी इनके लिए। स्मोक स्पैम करते हुए 8 किल निकाल चुके डीमन की स्क्वाड भी, मिस्टीरियस की स्क्वाड वहाँ पे काफ़ी अच्छे पोजीशन पे थी, सीज की स्क्वाड भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे पोजीशन पर देखने मिली। टीम नंबर 8 से अभी भिड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बट रिजेस यहाँ पे होल्ड करते हुए दोनों स्क्वाड, दोनों ही बाहर की स्क्वाड डीमन की स्क्वाड और यहाँ पे बुल की स्क्वाड के लिए दिक्कत होने वाला है। पागल यहाँ पे पीछे से थर्ड पार्टी करते हुए और फिनिश करने की कोशिश करेंगे, बट मिनी 14 से थोड़ा सा चुकते हैं, 10 HP बचे यहाँ पे हील रिवाइव देते हुए यहाँ पे अपने बंदों को, और यहाँ पे डीमन की स्क्वाड थोड़ी अनफॉर्चुनेट कंडीशन में फंसती हुई, डीम सीज की स्क्वाड यहाँ पे कंप्लीट बची हुई है, और यहाँ पे देखना होगा स्मोक वॉल बनाया है, काफी अच्छा स्मोक रोटेशन, क्या ही स्मोक रोटेशन देते हुए यहाँ बंदे दिल्ली पुलिस आगे जाते हुए सबसे ज्यादा यहाँ लीड करते हुए एडमिन टीम को, और सीज की स्क्वाड को यहाँ पे स्पॉट करने की जरूरत। पीछे से यहाँ पे डीमंस के बंदे फिर से प्ले जोन से जाएंगे, मिस्टीरियस के स्क्वाड के आखिरी बंदे आई थिंक बचे हुए, पीछे से कभी भी स्प्रे डाउन हो सकते हैं नो डाउट, और अभी के लिए पीछे के लिए स्मोक देते हुए और सीज की स्क्वाड यहाँ पे आगे क्लोजिंग करते हुए डॉक्टर की स्क्वाड को नॉक करने की ज़रूरत। यहाँ पे जो हमारी मिस्टीरियस की स्क्वाड है स्नेकिंग करते हुए बाकी बंदे, और थोड़े होल्ड गेम देखने मिला है आज हम लोग को, और पागल के वहाँ पे बंदे हील करते हुए बैंडेजेस यूज करते हुए वुल्फ यहाँ पे जोन के अंदर आने की कोशिश करेंगे और आ चुके हैं। नेट वेट ट्राई करते हुए कभी भी यहाँ पे पिकअप हो सकते हैं यहाँ पे डॉक्टर के बंदे, और पीछे से यहाँ पे स्प्रे डाउन होंगे नो डाउट, काफ़ी अच्छा स्प्रे आता हुआ आगे से भी, और देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे ऊपर में पीछे दोनों तरफ से सैंडविच होते हुए हमारी मिस्टीरियस की स्क्वाड के अकेले बंदे नेट ट्राई करते हुए पुलिस के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया है और स्प्रे डाउन होंगे नो डाउट। दिल्ली पुलिस यहाँ पे 10 HP बचते हुए हील करने की ज़रूरत, सीज की स्क्वाड यहाँ पे ऊपर में सबसे ज़्यादा अच्छी कंडीशन में देखने मिल रही है अभी तक के लिए, लेकिन जोन यहाँ पे हट चुका है दोनों ही स्क्वाड से। डीमन वुल्फ यहाँ पे कुछ दिक्कत दे पाएंगे या नहीं स्क्वाड्स को देखना पड़ेगा। डीमन्स की स्क्वाड 8 किल के साथ यहाँ पे सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग स्क्वाड जो अलाइव है टीम नंबर 7 या सीज की स्क्वाड को जोन के अंदर मूव करने की ज़रूरत थोड़ी सी है, और स्मोक वोक स्पैम करने की ज़रूरत, आगे स्मोक होता हुआ और नीचे आने की ज़रूरत, यहाँ पे डीमन्स की स्क्वाड को यहाँ पे स्पॉट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो डीमन वुल्फ है ना वो कभी भी स्प्रे डाउन कर सकते हैं, और वर्चुअल को वहाँ पे एजेंट ने नॉक किया है, ब्लिंग यहाँ पे नॉक होते हुए दिल्ली पुलिस का गेम कभी भी खत्म हो सकता है। आखिरी बंदे बचे हैं ब्लिंग यहाँ पे पीछे जाने की कोशिश करेंगे, डीमंस की स्क्वाड के वुल में यहाँ पे वाइप होते हैं, सीज की स्क्वाड ने वाइप कर दिया दोनों ही स्क्वाड को एक साथ, एक बंदे इधर और 3 बंदे उधर, और इसके साथ यहाँ पे अबाउट ओके 666 और 10 किल के साथ सीज की स्क्वाड ने यहाँ पे चिकन डिनर निकाल लिया है। बहुत ही ओपी गेम प्ले देखने मिला हम लोग को आज, यहाँ पे जो TSM की स्क्वाड थी कुछ कमाल कर नहीं दिखा पाई आज, उतना खास 3 किल निकाला इन्होंने, 3 मैन स्क्वाड खेल रहे थे, बाकी यहाँ डीमंस की स्क्वाड ने भी काफ़ी अच्छा गेम प्ले खेला है, और आई थिंक ओके 3, 3, 6 एंड 7, 8 किल के साथ यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे आई है। बाकी के स्टैट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, और आज का मतलब कोई अलग से बंदा कोई डोमिनेट उतना करते नहीं निकला, रॉजर ने वहाँ पे काफ़ी अच्छा गेम प्ले दिखाया था बट अनफॉर्चुनेटली जोन से वाइप होते हुए, और फिलहाल के लिए यहाँ पे बाकी के यही थे स्टैट्स। थैंक्स गाइस फॉर ज्वाइनिंग, यहाँ पे काफ़ी मजा आया आज का गेम प्ले भी। मीरामार का हमारा मैप यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, अब कल आई थिंक कोई भी गेम होने वाला नहीं है, कल ऑफ रहेगा क्योंकि दे एक वीक में 2 ऑफ मैंने डिसाइड किया अपनी तरफ से, और बाकी यार यही था आज का गेम प्ले, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और यार कमेंट करके कुछ कुछ कमेंट किया करिए, पिछले दो वीडियो में कोई भी कमेंट आपके आए नहीं तो कुछ समझ नहीं आता है क्या है सीन, क्या सोच रही है टीम, क्या प्लान से उनके, और बाकी क्या मज़ा आ रहा है कि नहीं यार, कमेंट्री अच्छी जा रही है कि नहीं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा यार कोऑपरेट करिए, और बाकी यार जिसको भी प्रॉब्लम है 8 वाले टाइम से मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको मैंने पहले ही बोला था आप मैसेज करो प्लीज़। सारे बंदे अबाउट 80% बंदे 8 PM के लिए अग्री थे, बाकी 2-4 थी स्क्वाड तो उनके लिए अब मैं सबके लिए तो एक फेवरेबल टाइम नहीं डिसाइड कर सकता, तो इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता, बाकी जैसा भी आपको सही लगे वही सही है, और यही आज हम अपना गेम ख़त्म करते हैं, और तब तक के लिए बाय बाय।